बच्चा इसको ट्राई मत करे क्योंकि ये सब चीजें बहुत। हेलो गाइस, तो आप लोग देख ही सकते हो इस सेटअप के हिसाब से हम लोग आज कौन सा वीडियो शूट करने वाले हैं। तो आज हम लोग हॉन्टेड कॉलिंग वीडियो करने वाले हैं, मैं और नावेद। एक्चुअली इसको मैंने अंधेरे से बुलाया इसी चीज के लिए कि आज भाई एक हॉन्टेड वीडियो शूट करते। ये मेरा फ्लैट है क्योंकि खाली है पूरा, तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है एक्चुअली इसलिए क्योंकि ये सब मैं ये करता नहीं। हुआ क्या कि इसने मेरे को बताया नहीं कि ये करना है, मुझे बोला कि भाई आ जाए कुछ काम है, बारह बज के 8 मिनट हो रहे हैं और करते हम लोग एक कॉल करने वाले हम लोग हंड्रेड कॉलिंग तो करते हैं। ये सब मैंने नंबर्स गूगल से लिया था, जितने भी नंबर है ना ये गूगल पे है और इसका पूरा डिटेल में लिखा हुआ है गूगल पे, तो उस पे से मैंने निकाला। और ये यूट्यूब पे बहुत से लोग ने ये सब वीडियो को रिकॉर्ड किया है, नंबर लिखा था तो आपको मैं दिखाता हूँ। एक है 09044444, मतलब 09084 है, आप देख सकते हो। सॉरी कैमरे में नहीं दिख रहा है, तो मैं डायल करता हूँ और देखता हूँ कि कॉल लगता है क्योंकि थोड़ा डर लग रहा है इसलिए कि कॉल कर रहे हैं हम लोग। तो कैसा लग रहा है? पता है डर तो लग रहा है एक्चुअली, कर रहे हैं 12 बजे तो थोड़ा पता नहीं क्या होगा, हम देखना पड़ेगा कि पता नहीं फेक भी हो सकता है मे बी, और तो वी डोंट नो। बट क्योंकि हम लोग किसी नॉर्मल पर्सन को नहीं कर रहे, हम लोग डेविड को फोन कर रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, भूतिया नंबर भूतिया नंबर था। तो और ये नंबर का मतलब है ना कि आप ये नंबर का आप कॉल करोगे ना तो आपको ये नंबर है जापान का नंबर है जो कि स्क्रिप्ट नॉइस है, मतलब तो आप फ़ोन करोगे ना तो आपको ना भूत का जो रोने की आवाज़ ये सब और पूरी आवाज़ आएगी। और कुछ लिखा है इधर पर, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको लिखे यहाँ से, मतलब आप इस कॉल पर आप कॉल करोगे तो एक हफ्ते में आपकी डेथ हो सकती है, ऐसा लगता है। तो फर्स्ट नंबर ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 09044444444 तो अभी मैं कॉल कर रहा हूँ। ये नंबर है, ये नंबर है, बट मतलब कहने का अरे भाई, मतलब ये नंबर सच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये है नंबर बट लेकिन कैसा स्विच ऑफ बता रहा है। एक बार वापस करें, हाँ एक बार और ट्राई कर, स्विच ऑफ में तो पता नहीं डर लग रहा है भाई ये। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये नंबर मतलब पता नहीं मतलब है दिस नंबर रियली एग्जिस्ट कि मतलब भाई अब तो डर लग रहा है। अभी लगा तो नहीं ये स्विच ऑफ है, और एक दूसरा नंबर है जो कि नाबिक करने वाला है उसको, तो अभी दूसरा नंबर है को डर लग रहा है मतलब क्योंकि अभी ये नंबर बता रहा है, बट अभी सेकेंड नंबर पे देखते क्या होता है, क्या ट्राई करते हैं हम लोग। ओके सो सेकंड नंबर है 666, जैसे कि आप पता नहीं स्क्रीन में, तो सॉरी दिखाने हुआ आपको, तो इसमें बताता है कि ये नंबर जो है एक अर्बन लेजेंड का नंबर है। सो इसको जब भी आप कॉल करोगे तो आप डायरेक्टली डेविल से कांटेक्ट करोगे। कुछ लोगों ने कहा है कि नंबर रियली मतलब कोई उठाया है किसी ने, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फेक है, फेक है। हाँ अब पता नहीं ये नंबर कैसा होगा, देखते हैं जस्ट। एक्चुअली ये ना यूट्यूब पे और ऐसा नॉर्मली बहुत ज़्यादा पॉपुलर नंबर भी है 666 करके, बहुत ज़्यादा वांटेड नंबर बहुत से लोग के मुंह से भी मैंने गूगल से काफी गूगल से हाँ देखा है गूगल से, बट अगर देखते हैं ट्राई करते हैं 666 तो दिस नंबर इज वैलिड, थोड़ा राहत मिली भाई कि ये नंबर तो नहीं है। सो चलो ठीक है,
एक बार और नहीं तो एक बार एक काम करते हैं एक बार और ट्राई करते हैं। नंबर इनवैलिड है तो कैसे आएगा? क्या पता, एक बार ट्राई कर लो। हां व्हाट डायल इज इनवैलिड, प्लीज चेक द नंबर। मुझे लगता नहीं कि ये जितने भी यूट्यूबर्स लोग कॉल किए हैं ना, किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, सबका इनवैलिड है। तो अच्छा है कि हमारा भी कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि हम लोग सोच रहे कि आएगा तो हम लोग क्या रिप्लाई देंगे, क्या रिस्पॉन्स देंगे। तो अभी देखते हैं। अभी एक नंबर और है मेरे पास, जो कि वो भी बहुत हॉन्टेड नंबर है। ये वाला नंबर 999 सात बार 99 है, जो कि ये थाईलैंड का नंबर है। और इस पर आपको मतलब आप कॉल करोगे ना तो सामने से आप मतलब जो भी विश मांगोगे सामने से पूरी हो जाएगी, बट एक हफ्ते के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्लियर कट लिखा है, एक बार इसके ट्राई करते कि ये डेथ वाला हो गया, थोड़ा सा भी डरावना माहौल सा बन चुका है। ट्राई करते देखते क्या होता है, ये भी रियल है, इस पर लगता कि नहीं, देखते हैं। वो कॉल करने में पता लगे थोड़ी डायल किया है बट एक भी नंबर नहीं लगा। एक बार मैं सोच रहा हूँ फिर से ट्राई करता हूँ, क्या पता वो फिर से लगे। ठीक है, क्योंकि स्विच ऑफ फोन क्या पता ऑन हो सकता है। और एक नंबर और है जो कि नंबर है 0888888888 मतलब 3 बार 888 है। तो इसमें बताया जाता है कि ये बुल्गेरिया का नंबर है, बुल्गेरिया जो इट इज बिलीव टू बी अ कर्स्ड नंबर, मतलब कर्स्ड नंबर माना जाता है कि अगर ये नंबर पे आप कॉल करोगे तो आपकी बहुत ही कहते हैं हॉरिबल डेथ हो सकती है, बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके से कॉल हो सकती है। सो देखते हैं, कुछ लोग बताते हैं ये फेक भी है, कुछ लोग बताते हैं ये ट्रू भी है। सो एज वी हैव सीन इन यूट्यूब वीडियोस, तो देखते हैं जरा कैसा क्या है। मतलब अभी वो पहला वाला नंबर आया ना तो थोड़ा डर सा लग रहा है, पता नहीं। 888 9 8 3 8 8 ओके सो भाई कर दो। कुछ नहीं बता रहा है ऐसे। कॉल एंडेड कैसे आ रहा है? कॉल एंडेड आ रहा है, एक सेकंड में करता हूँ। 8 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
कॉल लग के एंडेड बता रहा है, तो मे भी अगर ये नंबर एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जिस मतलब जिस भी पर्सन का नंबर है वो काफ़ी बुरी मौत मरा था, उसको कैंसर था एक्चुअली, एज वी हैव सीन, मतलब उन्होंने ऐसे इसको मतलब गूगल पे बता रहा है इसका डिटेल, तो पता नहीं ये शायद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं। चलो भाई ये नंबर तो हो गए, तो आई होप पूरे नंबर हो गए, अभी तो उन्होंने ऑलमोस्ट चार नंबर कर लिए, एक और नंबर था 2020 जो कि जैसा फेमस है ना नंबर हॉन्टेड में, वो 2020 भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि हार्ड वर्क 2020 डायल करोगे ना तो रिस्पॉन्स आता है, और इसमें कैसा है ना कि क्या है इसका, इसमें ऐसा बताता है कि एक वुमन है, अगर आप कॉल करोगे तो भी वुमन है, वो आपसे मदद मांगेगी, हेल्प मी सूजी इज डाइंग, ऐसा करके हेल्प मांग दिया है, उसका रोने की आवाजें आती है, मतलब ऐसा बताया है।
से एक सेकंड फिर से करते हैं एक बार 20 20 20 20 ये भी इनवैलिड बता रहा है, मतलब एक भी कॉल नहीं लगा, थैंक गॉड। हम लोग यही सोच रहे थे कि फर्स्ट वाला नंबर था जो आपका था, तो वो काफी हम लोग को लगा कि मे बी ये नंबर एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा, पता नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम लोग तो बच गए। सीरियसली गाइस, एक्चुअली हम लोग कब से यही सोच रहे थे कि कॉल आएगा तो हम लोग क्या रिस्पॉन्स देंगे, क्या बोलेंगे। तो मैं तो रिस्पॉन्स नहीं देता भाई, तू दे देता था, मैं तो काट देता भाई, सीधा ही काट देता, मैं तो कसम से बता रहा हूँ। ऐसे नंबर जो होते हैं काफी लोगों ने क्लेम किया, या तो हम लोग जो 12 बजे कर रहे हैं रॉन्ग टाइम हो, या भी हो सकता है मे बी। तो गाइस आप लोग चाहते हो कि हम लोग ये 3 बजे कॉल करें, प्लीज कमेंट कर सकते हो आप लोग कि हम लोग 3 बजे बट ट्राई करेंगे, और कमेंट करके बताना कि और हम लोग कौन सा हाँ, चैलेंज कर सकते हैं। हम लोग ने बहुत सारा प्लान करके रखे हैं, हम लोग ने चार्ली हम लोग ने प्लान करके रखे हैं कि उसको करने का। तो गाइस और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग 3 बजे कॉल करें, क्योंकि जैसा 3 बजे ऐसा होता है ना डेविल की स्पिरिट ऐसा बोलते हैं, और ये रियल है भी, तो क्या पता 12 बजे नहीं हो सकता है। तो ट्राई करेंगे हम लोग 3 बजे, आप लोग कमेंट करोगे तो हम लोग वो भी करेंगे। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और कुछ नया करने की कोशिश की, कुछ नया करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अपने चैनल को ऑलमोस्ट ब्लॉगिंग ही करता हूँ। तो नाविद को मैंने बोला कि आज इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं, तो गाइस चलिए फिर। और अगर आपको हमारा हॉरर चैलेंजिंग वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट करो कि हम और बनाए, और अभी हम लोग ब्लॉग का भी डिस्कस करेंगे कि अभी कहाँ पे जाने गए। तो चलिए फिर मिलते हैं, ये कॉल ऑन ना रहे वापस से, मेरे को डर लग रहा है भाई, एकदम 3 बजे आ गया भाई, मैं तो नहीं उठाने वाला, देखते क्या होता। तो गाइस बस ये है और कुछ नहीं, बस ये कि कोई बच्चा इसको ट्राई मत करे, क्योंकि ये सब चीजें बहुत एक्चुअली हम लोग रेकमेंड करेंगे कि आप लोग एंटरटेनमेंट के पर्पज से हम लोग कर रहे हैं इसमें, कोई भी हम लोग ये नहीं कर रहे कि ये करो आप लोग, क्योंकि ये देखो कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो रहा है बट आपके साथ हो सकता है, कॉल लग सकता है, रिप्लाई आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज बच्चे या कोई भी ट्राई मत करो, कुछ भी हो सकता है यार। तो तब तक बाय, लगभग देखकर चेहरे बात।